हेलो गाइज, आज का मैच था आरसीबी वर्सेस केकेआर, जो कि एक देखने लायक मैच था। चलो देखते हैं इस मैच के हाइलाइट्स। आरसीबी के कैप्टन फाफ डी प्लेसी ने टॉस विन करके पहले फील्डिंग करने का डिसाइड किया था। केकेआर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 18.5 ओवर में ऑल आउट हो गए 128 रन करके। केकेआर की ओर से एंड्रयू रसेल ने 25 रन किया 18 गेंदों पे, एक चौके 3 छक्के के साथ। उमेश यादव 18 रन इन 12 बॉल, 2 चौका 1 छक्का के साथ। सैम बिलिंग 14 रन इन 15 बॉल। आरसीबी की बॉलिंग की ओर से वानिंद हसरंगा ने 4 ओवर में 4 विकेट लेके 20 रन दिए। आकाशदीप ने 3.5 ओवर में 45 रन देके 3 विकेट लिए। हर्षद पटेल 4 ओवर में 11 रन देके 2 विकेट लिए। आरसीबी की बॉलर्स ने 128 रन पे केकेआर को ऑल आउट करके अपने लिए एक अच्छा सा टारगेट स्टार्ट करके अपना बैटिंग स्टार्ट किया। आरसीबी की ओर से सरफरन रदरफोर्ड 28 रन इन 40 बॉल, एक चौका एक छक्का के साथ। एबाज अहमद 28 रन इन 20 बॉल, 3 छक्का के साथ। डेविड विली 18 रन इन 28 बॉल, 3 चौके के साथ। केकेआर की बॉलिंग की ओर से टीम साधु ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए। उमेश यादव ने 4 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट लिए। सुनील नारायण ने 4 ओवर में 12 रन देकर सिर्फ 1 विकेट लिए। इसी का चलते आरसीबी ने 19.2 ओवर में अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया और आज की मैच को 3 विकेट से विन कर लिया। आज की मैच में कोई भी बैट्समैन अच्छा स्कोर नहीं किया, लेकिन दोनों टीम की ओर से बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। मैच को पूरा आखिरी ओवर तक ले गए दोनों टीम की ओर से। कौन जीतेगा कौन नहीं आखिरी ओवर तक पता नहीं चल रहा था। लास्ट ओवर में एंड्रयू रसेल को एक छक्का और एक चौका मार के दिनेश कार्तिक ने अपना टीम आरसीबी को विन किया। ये था आज का मैच का हाईलाइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।